मैंने यही मांगा कि बॉलीवुड वालों को ना शुद्ध बुद्धि दे। दोस्तों, हिंदुस्तानी भाव ने दमन के बारे में क्या बोला आगे जानेंगे। दोस्तों, दमन मूवी का अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू लिया गया था। इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं कि उनके डायरेक्टर और एक्टर ने क्या बोला। दोस्तों, आप सबको पता होगा दमन का बजट 95 लाख था और इस मूवी का शूटिंग का टाइम टोटल 20 दिन था, यानी कि 20 दिन में पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली गई थी। दोस्तों, दमन को शूटिंग के दौरान काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, दमन के डायरेक्टर देवी प्रसाद ने बताया कि उनकी शूटिंग के दौरान कभी कभी बारिश आ जाती थी, इस वजह से उनको काफी दिक्कत वहां देखने को मिली थी, लेकिन इन लोगों ने 20 दिन में ही पूरी फिल्म कंप्लीट कर दी थी। 20 दिन में कंप्लीट फिल्म करने का रीजन है कि फिल्म जितने भी एक्टर लिए थे वह सभी नए थे और सबको एक ही टेक में अपना सीन देना था। डायरेक्टर जैसा उनको बोलते थे वह सभी एक ही बार में रोल कर देते थे, तो इस तरह उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा। जिस हिसाब से डायरेक्टर ने सोचा था उसी हिसाब से फिल्म जल्दी शूटिंग हो गई और डायरेक्टर के पास जो पैसा था वह लिमिटेड था, 95 लाख बजट, और उनको इसी बजट को अपने थोड़े टाइम में ही जल्दी है यूज करना था। दोस्तों, कम बजट होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग जल्दी कंप्लीट कर ली और जितनी जल्दी शूटिंग कंप्लीट होती है फिल्म में उतना खर्चा कम होता है, जैसे कि रूम का किराया हो गया, कैंपिंग का खर्चा, यह सब बहुत खर्चे होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सोचा होगा कि 95 लाख में फिल्म कैसे बनी होगी। दोस्तों, फिल्म के एक्टर की फीस भी काफी कम दी गई है। बॉलीवुड फिल्मों में आधा बजट तो एक्टर ही खा जाते हैं। प्रभास ने आदिपुरुष में 150 करोड़ फीस ली थी। दोस्तों, दमन में जो भी स्टार कास्ट थे वह सब नए ही थे। दोस्तों, हिंदुस्तानी भाव से जब इस फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला ये मूवी बॉलीवुड को पीछे छोड़ देगी, दमन की मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और बाबू शान मोहंती की एक्टिंग का तो जवाब नहीं है। दोस्तों, अगर आपने दमन मूवी देख ली तो कमेंट में जरूर बताना।